नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं यूपी न्यूज उस्ताद तक, और बड़ी खबर निकल के आ रही सुबह की। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 तारीख है, दिन है बुधवार और 2023 चल रहा है। बड़ी खबर, नीलगाय और सांड से घायल होने पर भी अब मिलेगा मुआवजा। बड़ी खबर है दोस्तों, 60% से अधिक अपंगता हो जाने पर 2.5 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा जो है सरकार देगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में नीलगाय और सांड की चपेट में अपंगता होने पर, चोटिल होने पर मुआवजा मिलेगा। 60% से अधिक अपंगता होने पर 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वही एक सप्ताह से अधिक अगर अस्पताल में आप भर्ती हैं तो 16,000 रुपये मुआवजा मिल सकता है। एक सप्ताह से कम अगर भर्ती हैं तो 5,400 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में छुट्टा पशुओं में नीलगाय और सांड से लगातार टक्कर के से जो है घटनाएँ होती रहती हैं और लगातार इसके मामले जो है आते रहते हैं। मामले में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे मामले में सामने आए पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की ओर से ऐसे मामले लंबे समय से सहायता राशि की मांगें जो है जारी है, और इसको सरकार ने पिछले दिनों साड़वा नीलगाय से दुर्घटना को दैवीय आपदा की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इसकी वजह से मृत्यु पर 4 लाख रुपये मुआवजा की व्यवस्था की गई है। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा घोषित होने पर वजह से घायल होने पर व्यवस्था को का लाभ भी पीड़ित उठा सकते हैं। अन्य आपदाओं की तरह नीलगाय या सांड से टक्कर होने पर भी शारीरिक अपंगता या आंख की हानि होने पर, 40 से 60% तक अपंगता होने पर 74,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, अपंगता की सीमा और कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी के डॉक्टर को प्रमाण पत्र आवश्यक रहेगा। वहीं नीलगाय या सांड को चोटिल होकर एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती हैं तो 16,000 रुपये का मुआवजा आपको मिल जाएगा। एक सप्ताह से कम अधिक या फिर अधिक अवधि के लिए हैं आप तो 5,400 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। लेकिन आयुष्मान भारत योजना, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी देख रहे थे यूपी न्यूज तातक से, मैं अंकुर तिवारी अमेठी उत्तर प्रदेश, और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज तातक। बहुत बहुत धन्यवाद।